डिजाइनर लैंप सिर्फ महंगी चीजों से ही बन सकते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप टॉयलेट पेपर से कुछ अनोखे लैंप्स कैसे बना सकते हैं। शर्त लगाता हूँ आपको इससे सस्ता मटेरियल नहीं मिलेगा। सबसे पहले टॉयलेट पेपर को पानी में डुबोते हैं ताकि उससे कुछ ऐसा मिक्सचर बने जैसा हमारे क्राफ्ट्समैन ने बनाया है। उसे कपड़े में लपेट कर अच्छे से निचोड़ लीजिए। इसे अनोखा रंग देने के लिए इसमें काली इंक और थोड़ा प्लास्टर मिलाइए और तब तक मिलाइए जब तक सारे पेपर पर एक समान रंग न चढ़ जाए। जब वो हो जाए तब एक प्लास्टिक बॉल लीजिए, ये हमारे लैंप्स के मोल्ड का काम करेगी। बॉल का ऊपर का हिस्सा इस लुगदी से ढक दीजिए। ये ध्यान रहे कि पेपर की परत हर जगह एक बराबर सी हो। किनारों के आड़े टेढ़े होने की फिक्र मत कीजिए। इस तरह के किनारे काफी आधुनिक और सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। और हाँ, बल्ब और तारों के लिए ऊपर एक छेद करना मत भूल जाना। प्लास्टर पेपर के सख्त हो जाने के बाद प्लास्टिक बॉल को निकाल सकते हैं। शुक्रिया बॉल, तुमने बहुत साफ निभाया। लैंप के अंदर से जगमगाती रोशनी को और सुंदर बनाने के लिए लैंप के अंदर के हिस्से पर सुनहरा रंग कर दीजिए। काफी सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। फिर लैंप में फिक्स होने वाले तार और सॉकेट पर भी वही सुनहरा पेंट कीजिए ताकि पूरा लैंप एक समान दिखे। नतीजा काफी अनोखा लग रहा है। यह है डिजाइन और कारीगरी का परफेक्ट मिक्स।